सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। ये वीडियो है टिड्डियों के दलों का, जिन्होंने देश भर में कोहराम मचाया हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इस वक्त कोरोना के अलावा टिड्डियों के दलों ने भी देश में कोहराम मचा रखा है। सोशल मीडिया पर सुपर एक्टिव रहने वाले बॉलीवुड के पॉपुलर सितारे धर्मेंद्र ने भी इन टिड्डियों के झुंड के आक्रमण वाला एक वीडियो शेयर किया है और लोगों को इससे सतर्क रहने की चेतावनी भी दी है। धर्मेंद्र ने सोशल मीडिया पर चल रहे टिड्डियों के अटैक वाला जो वीडियो शेयर किया है, उस पर लिखा है कि वे भी काफी पहले इस आफत से निपट चुके हैं। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है, सतर्क रहें, हम भी इससे जूझ चुके हैं। जब मैं 10वीं क्लास में पढ़ता था, इन्हें मारने के लिए सभी स्टूडेंट्स को बुलाया गया था। प्लीज सावधान रहिए। आपको बता दें, इस वक्त टिड्डियों का ये झुंड बड़ी समस्या बन चुका है। राजस्थान, हरियाणा और यूपी में आतंक मचाने वाली टिड्डी इन दिनों लॉकडाउन में कोरोना वायरस के बाद दूसरी सबसे बड़ी चिंता का विषय बन गया है। अनुमान लगाया जा रहा है कि ये टिड्डियों का दल दिल्ली एनसीआर के अलावा हरियाणा की ओर रुख कर सकते हैं। वैज्ञानिक आगे कर रहे हैं कि अगर इस टिड्डी दल की बढ़ती संख्या को रोका नहीं गया तो ये खेत और हरियाली को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपको बता दें कि टिड्डी की उम्र महज 90 दिन होती है। एक टिड्डी एक दिन में अपने वजन के बराबर खाना खाती है और हवा में 5000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकती है। राजस्थान में बड़े बड़े टिड्डी दल या झुंड दिख रहे हैं। एक्सपर्ट रिपोर्ट के अनुसार एक दल 740 वर्ग किलोमीटर तक बड़ा हो सकता है। इनसे दुनिया के करीब 60 देश प्रभावित हैं। ये तो हुई टिड्डियों की बात। इससे पहले धर्मेंद्र ने अपने वीडियोस के जरिए लोगों को काफी एंटरटेन किया था। धर्मेंद्र ने एक वीडियो शेयर किया था और ये वीडियो था उनके फार्म हाउस का। धर्मेंद्र ने बताया था कि उनकी गाय ने बछड़े को जन्म दिया है। धर्मेंद्र का लॉकडाउन में एक और वीडियो काफी वायरल हुआ था, जहां पर वे बछड़े को प्यार से चारा खिलाते हुए नजर आ रहे थे। इस दौरान वो उस बछड़े से बातें भी कर रहे थे। अच्छा, अम्मा बोल रही है, ये हमारे बिल्कुल भाई हैं, हमारे दोस्त उन्होंने दिया था। और काफ़ी बस। आपको बता दें कि धर्मेंद्र लॉकडाउन के पहले ही अपने फार्म हाउस पर आ गए थे। पिछले दिनों धर्मेंद्र अपने फार्म हाउस पर उगी हुई ढेर सारी सब्जियों के साथ नजर आए थे। सब्जियों के अलावा उनके फार्म हाउस पर फल भी होते हैं और उन्होंने इसका भी वीडियो शेयर किया था। अच्छे केले होने लगे हैं, चीकू, केले, नारियल, सब कुछ कर रहा हूँ। विद योर गुड विशेस एंड हिज ब्लेसिंग्स, लव यू ऑल। आई एम सो हैप्पी टुडे, आई एम वेरी एक्साइटेड। केले बाजार में तो मिल जाते, लेकिन अपने फार्म पे जो केले होते हैं ना, उनका अपने मजा है। वेल, धर्मेंद्र के फार्म हाउस वाले वीडियोस जितने इंटरेस्टिंग हैं, वहीं ये टिड्डियों के दलों वाला वीडियो देख कर कहना गलत नहीं होगा कि 2020 में एक साथ सारी मुसीबतें आकर गिर गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नव भारत टाइम्स।